सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं चने वाले चावल। शुरू करते हैं खुदावंद के नाम से। ये मैंने ऑयल डाल दिया और दरमियाने साइज का एक प्याज मैंने डाल दिया इसमें। अब हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ये मैंने 2.5 कप चावल लिए हैं। चनों को मैंने 5 घंटे भिगो दिया था और इनको मैंने उबाल के गाल लिया है। ये चने हमारे गाल चुके हैं, ये देखें। उसके लिए मैंने लिए 1 चम्मच मैंने लिया है अदरक का, 1 चम्मच मैंने लिया लहसुन का और 3 मैंने हरी मिर्ची इसमें पीस ली और नमक हसबे ज़रूरत डालेंगे और 1 चम्मच मैंने लिया लाल मिर्च का और 1 चम्मच मैंने लिया गरम मसाले का। प्याज हमारा ब्राउन हो गया था, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर ढकना दे देंगे। अब हम इसमें अदरक लगता है और जो हरी मिर्च मैंने पीस के रखी थी वो डाल देंगे। जब अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें यह मसाला लाल मिर्च और नमक डाल देंगे। अच्छे से टमाटर भी डाल देंगे। जब ये हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा तो इसमें हम चने डाल देंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखते हैं। ये हमारा मसाला तैयार है तो अब हम इसमें चने डाल देंगे और चनों को हम अच्छे से भून लेंगे। चने जो है इनको मैंने भून लिया है और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। हमारे चावल जो 2.5 गिलास है और मैं 4 गिलास पानी के डालूँगी। चार थोड़ा सा ऊपर डालेंगे पानी और अब जब उबाला आ जाएगा फिर हम चावल डाल देंगे। जब उबाला आ गया तो मैंने इसमें चावल डाल दिए और चावल जो हमारे दम के लिए तैयार है और अब मैं इनको 10 मिनट का दम दूंगा। ये 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। ये हमारे चावल जो तैयार है, ये हमारे मज़ेदार चने वाले चावल तैयार हो गए। ये हमारे चावल जो तैयार है और हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ। मामी।